वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल सा मेकअप लुक ऑन दिस अटायर। ये एक्चुअली रेड कलर का कुर्ती कुछ है। सो आपको मैं पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर दूँगी, आप देख लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज़ माई बेयर स्किन, मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगा रखी है। बाकी का मेकअप जो हम साथ में करेंगे और कुछ हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की है, उन्होंने कैसा लग रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम ब्लू हेवन, और इसे सिंपली अपने टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए आपको अप्लाई कर लेना है। एंड सिंपली आपको नॉर्मली प्राइमर अप्लाई कर लेना है। प्राइमर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बेस मेकअप में, ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ सुनीसा का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन, बीबी, सीसी क्रीम, बहुत सारे नाम हैं इसके, सो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। देन इसके साथ आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर मिलता है जिसे वेट करके आपको यूज़ करना होता है। इससे ना एक बहुत ही नेचुरल लाइक स्किन लाइक फिनिश मिलती है और डूई होती है फिनिश जो है इसकी। बहुत ज़्यादा ऐसे हाई कवरेज तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि इससे आपके जो डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन वगैरह वो शो होती है, बट काफ़ी नेचुरल कवरेज मिलती है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की कलर व्हील पैलेट। इससे मैं कंसीलर शेड लूँगी जो मेरी स्किन टोन से मैच करता है, एंड देन सिंपली उसको आईलेट एंड अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर लेना है और ब्लेंड कर देना है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ अर्थ रिदम का लिप एंड चिक टिन। सिंपली अपने फेस के हाइस्ट पॉइंट आई मीन ब्लश की तरह एज अ लगा रही हूँ। आप लिप एंड चिक टिन लगाया कीजिए, क्योंकि पाउडर ब्रशेस बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं तो टिंट काफ़ी देर तक टिका रहता है। इसके ऊपर ब्लश लगा लीजिए पाउडर। नेक्स्ट मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ सिंपली एक ब्रश की हेल्प से। एंड देन मैं अपनी ब्राउज फिल करूँगी, मार्स की ब्राउ किट है ये। एंड मैं अपनी ब्राउ बहुत ही नेचुरल फिल करती हूँ, बहुत ज़्यादा यू नो उसे कलर या वो देने की कोशिश नहीं करती, जैसी है नॉर्मल वैसे ही। देन ग्लैम 21 की आई शेडो पैलेट से मैंने एक लाइट ब्राउन कलर लिया है। देन उसको आईलेट के ऊपर यू नो पूरा क्रीज लाइन और ट्रांजिशन कलर की तरह लगा रही हूँ। और नेक्स्ट मैं एक अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ शेड ले रही हूँ, थोड़ा मरूनिश और ऐसा सा कलर है। इसको सिंपली आउटर वी पे फोकस करते हुए एक यू नो एक डायमेंशन देने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे आइज़ को, इससे एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे यू नो आपके जो भी ड्रेस का कलर है आप वो यूज़ कर सकते हो। आई मीन इससे आपको बहुत सारे मेकअप आइडियाज़ मिल जाते हैं। देन लोअर लैश लाइन पे सेम लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ शुगर की फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें से मैं हाईलाइटर लूँगी एंड सिंपली अपनी आईलेट पर अप्लाई करूँगी। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये आई मेकअप करने में आई थिंक आपको हार्डली 2 मिनट लगने वाले हैं, एंड सिंपली वो कर लेना है। एंड देन मैं सेम ब्रश लेके जिससे मैंने अपनी क्रीज लाइन वगैरह ब्लेंडिंग की थी उसे दोबारा एक बार वो कर दूँगी, ताकि कुछ भी यू नो हार्श ना लगे, नेचुरल दिखे। देन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का आईलाइनर। और बहुत जल्दी एक बहुत ही बड़ा सा मेकअप हॉल आने वाला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, क्योंकि वो मेकअप हॉल काफ़ी यू नो अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी का होगा। मैं मतलब अफोर्डेबल के चक्कर में घटिया नहीं, अच्छी क्वालिटी का ही होगा, सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब। तो मैं यहाँ सिंपल आईलाइनर लगा रही हूँ, मैं आज विंग वाला नहीं लगा रही हूँ। एंड आप नॉर्मली कोई भी लाइनर अपनी प्रेफरेंस का लगा सकते हैं। एंड सिंपली लाइनर लगाने के बाद पता नहीं क्यों आप देख रही हैं वाइट वाइट सा लग रहा है लैशेस, क्योंकि यहाँ कंसीलर वगैरह लग जाता है, तो मस्कारा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, आई मीन देख सकते हैं आप काफ़ी बुरा सा लग रहा था, ऑकवर्ड सा, एंड नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। सो लोअर लैश लैशेस पे एंड अपर लैशेस दोनों पर ही मैंने जो है मस्कारा अप्लाई कर लिया। एंड या यू कैन सी द डिफरेंस गाइस, क्लियरली आपको दिख जाएगा यहाँ वाइट सा लग रहा है एंड ये कैसा लग रहा है। तो दोनों लैशेस पे जो है मैंने मस्कारा लगा लिया। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे काजल की तरफ, और मैं आज वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ, मुझे ब्रांड नेम याद नहीं आ रहा। एंड सिंपली मैंने दोनों आइज़ में काजल लगा लिया, बहुत ज़्यादा वो नहीं किया उसे, हल्का हल्का ही लगाया। एंड अगेन आई एम टेकिंग सेम ब्रश और थोड़ा सा कलर लेके आई शेडो का आउटर एरिया को वो करते हुए हल्का हल्का मैं लगा लूँगी, ताकि वो थोड़ा नेचुरल लगे, क्योंकि वो वाइट एंड वो प्रॉपर थोड़ा मर्ज हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी लुक आएगी।
सो लोअर लैश लैश लाइन के आसपास भी जो है आई शेडो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्रॉन्जर, और ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, मेरा काफ़ी फेवरेट है ये, मैं बहुत यूज़ करती हूँ। एंड वही अपने फेस को डायमेंशन देने के लिए सिंपली अपने यू नो चीक्स के चीक बोन के नीचे थोड़ा सा चीक बोन, एक्चुअली आप चीक बोन पर यू नो बिल्कुल जो एंड पार्ट होता है वहाँ ब्रॉन्जिंग कीजिए, तब जाके वो शेडो का एक इफेक्ट क्रिएट करता है। एंड सिंपली उसे आपको ब्लेंड कर लेना है। एंड आप देख सकते हैं नेक्स्ट मैं जो है थोड़ा सा ब्लश लगा रही हूँ, पाउडर ब्लश SFR की पैलेट से, और मुझे लगा था थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अगर आपको भी ज़्यादा लगे तो आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेके जो आपने यूज़ किया है या ब्रश लेकर जस्ट टैप टैप कर लीजिए, बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंड अगेन आई एम टेकिंग सेम ब्रॉन्जर एंड जस्ट ब्रॉन्जिंग माई नोज़, थोड़ी सी यू नो नोज़ को भी वो देना ज़रूरी है। एंड हाइलाइटर ले रही हूँ मैं, सेम वही फेस पैलेट है शुगर की, और हाइलाइटर वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल मुझे लगाना था। एंड आप देख सकते हैं मेरा बेस जो है काफ़ी ड्यूई लग रहा है, यू नो फेस ग्लो कर रहा है, तो ये पार्टी वगैरह के लिए बहुत अच्छा मेकअप है। एंड सिंपली जहाँ जहाँ मुझे वो करना है, थोड़ा सा मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था तो मैंने एक ब्लैक जिससे मैंने अपनी ब्राउ फिल की थी, सेम ब्रश लेके बिना प्रोडक्ट यूज़ किए लोअर लैश लाइन के आसपास लगा लिए। नेक्स्ट मैं एक पिंक कलर का लिप लाइनर ले रही हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि मतलब इस ड्रेस पे पिंक लिपस्टिक कैसी लगेगी, मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी न्यूड, यू नो कभी कभी आईज बोल्ड हो, कभी मतलब ऐसा करना चाहिए अगर आईज पे ज़्यादा आपने वर्क किया है बोल्ड हैं तो ट्राई टू कीप योर लिप्स न्यूट्रल एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक लगा रही हूँ, लाइट पिंक कलर की है, एंड आप देख सकते हैं ये कैसी लग रही है। एक्चुअली ये लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे तो पर्सनली अच्छा लग रहा था, थोड़ा वेट लिपस्टिक के वेट होने ड्राई होने का वेट कर रही थी मैं। एंड देख सकते हैं आप ये लुक ऐसा लग रहा है, बट यू नो थोड़ा मिसिंग था तो मैंने फिर दूसरी लिपस्टिक अप्लाई कर ली, और माई ग्लैम की लिपस्टिक है बुलेट लिपस्टिक, एंड दिस इज़ हाउ माई मेकअप इज़ लुकिंग लाइक। Guys, hope you like it. Then please subscribe to my channel because बहुत मेहनत लगती है यार। Please subscribe and bye bye. Take care.